Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you tense. Student, हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में. इससे पहले मैंने कल आपकी जो इससे प्रीवियस जो आपकी वीडियो थी उसमें जो आपकी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था. टेंस क्या होता है, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है. तो प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को कर चुके हैं स्टूडेंट. आज हम बात करेंगे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट सेशन में उसको पूछ सकते हो. तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने जनरली जो हम बात करते हैं जो स्पोकन क्लासेस में या हम जो आपका जो 12th स्टैंडर्ड तक हम जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो उसमें बस हम इतना ही पढ़ते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में आपका रहा है, रही है, रहे है, ये तो आप उसमें आइडेंटिफिकेशन यानी उसकी पहचान के बारे में जानते हो कि इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं. और जब हम बात करते हैं हम जो आपका टेंस यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो तो आपका सब्जेक्ट एजआरएम और वर्ब फॉर्म यानी कि आपकी वर्ब जो होती है उसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. यानी कि जो आपकी जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है एजआरएम उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं स्टूडेंट. वर्ब की जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. और आपका जो ही सी इट होता है यानी हम नेम हो या आपका सिंगुलर कोई भी नंबर होता है थर्ड पर्सन के साथ उसके साथ तो हम इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट. और आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं और आर का यूज़ करते हैं हम वी यू दे यानी कि जो आपके प्लूरल आपके सब्जेक्ट्स होते हैं. यह होता है स्टूडेंट हमारा आपके 12th स्टैंडर्ड तक. लेकिन मैं ये आपकी जो क्लास ले रहा हूँ स्टूडेंट ये हम बात कर रहे हैं आपकी कंपेटिटिव जो क्लासेस होते हैं आपके जो एसएससी सीजीएल है या एनडीए या आपका एयरफोर्स है या नेवी एग्जाम जो होते हैं डिफेंस रिलेटिव उनकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट. उनमें कुछ रूल्स आपके हटके आ जाते हैं इनसे. तो इसमें आपका फर्स्ट रूल दिया गया स्टूडेंट आपका कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम ऐसे एक्शंस के लिए करते हैं जो हम बोलने के वक्त जारी हैं यानी कि एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी हम कोई भी ऐसा कार्य कर रहे होते हैं स्टूडेंट जो हम बोलने के समय हमने क्या है वो काम आपका चल रहा है यानी कंटिन्यू हो रहा है आपका. जैसे हम बात करें यहाँ पर सुरेंद्र इज राइटिंग या हम ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे कि मैं खुद की बात करूँ सुरेंद्र इज टीचिंग नाउ तो यहाँ क्या सेंस निकल रहा है स्टूडेंट कि सुरेंद्र जो है आपका वो पढ़ा रहे हैं. तो आपका जो सुरेंद्र स्टूडेंट ये आपका सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है और आपके थर्ड पर्सन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस वर्ब का यूज़ किया है. और आपकी राइट होती है स्टूडेंट आपकी वर्ब तो उसमें हमने यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है. सेकंड एग्जांपल में आपका बताया गया स्टूडेंट्स कि दे आर प्लेइंग तो ये जो आपका दे है स्टूडेंट मैंने आपको भी बताया था आई सॉरी आपका बी है यू है और दे है और आपके जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट उनके साथ हम आपके आर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. और आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी यानी कि वी फोर का यूज़ करते हैं तो दे आर प्लेइंग यानी कि वे खेल रहे हैं. इसका ये आपका हिंदी में प्रोनाउंस होगा स्टूडेंट्स. सी में बताया गया कि आई तो मैंने बताया था आई के साथ स्टूडेंट हम एम का यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है. और उसके बाद आपने सेंटेंस को आई एम गोइंग टू दिल्ली मैं दिल्ली जा रहा हूँ. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या समझा कि हम फर्स्ट तो हमने ये सीखा कि हमें किस तरीके से आपको एजआरएम का यूज़ करना है. इसका यूज़ करेंगे आप स्टूडेंट इसका हम यूज़ करते हैं आपके थर्ड पर्सन के साथ और आपके सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही सी और आपके इट जो होता है थर्ड पर्सन का उनके साथ हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स. और दे का यूज़ करते हैं स्टूडेंट आपके यानी कि वी यू दे और प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं. और आई के साथ स्टूडेंट केवल हम एम का यूज़ करते हैं आपके केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. जैसे आपके स्टूडेंट कुछ एडवर्ब होते हैं जो हम इनके साथ हम इनको यूज़ करते हैं जैसे कि आपका नाउ एट प्रेजेंट है एट द मोमेंट इस समय एट द मॉर्निंग सॉरी दिस मॉर्निंग या करेंटली या दिस इवनिंग इस शाम को तो ये क्या है स्टूडेंट ये आपके समय सूचक होते हैं यानी टाइम डेनोट जो होते हैं इनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका यूज़ करते हैं. जैसे कि मिस्टर सुरेंद्र इज टीचिंग यानी कि जो मिस्टर सुरेंद्र क्या है वो पढ़ा रहे हैं कहाँ पर इंग्लिश एट प्रेजेंट तो यहाँ सेंस क्या निकला स्टूडेंट कि मिस्टर सुरेंद्र इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट तो यहाँ स्टूडेंट हमने एट प्रेजेंट यूज़ किया है. एट प्रेजेंट से क्या पता चला है
कि जो मिस्टर सुरेंद्र है वो इस समय आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हमने इस फॉर्म इस वर्ब यूज़ किया किसके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट है आपका सुरेंद्र यहाँ पर, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसका यूज़ किया, यानी सिंगुलर नंबर है और आपका ये थर्ड पर्सन में आता है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इस वर्ब का यूज़ किया स्टूडेंट। और आपका ये एट प्रेजेंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका समय सूचक यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया हमने। सेकंड एग्जांपल यानी आपका रूल है स्टूडेंट यहाँ पर कि जब हम इंटेंशन यानी कोई भी आपका जो इरादा होता है या हम कहें लाइकलीहुड यानी कोई भी संभावना होती है किसी चीज़ की कि ऐसा हो सकता है। इंटेंशन क्या होता है, आपका इरादा होता है, ठीक है, आप सोच रहे होते हैं कि भाई मैं ये करूँ या ना करूँ, तो ये आपका इरादा है लेकिन एक संभावना होती है कि ऐसा हो सकता है, तो उसको स्टूडेंट हम आपका लाइकलीहुड बोलते हैं यानी संभावना। तो ऐसे अगर हमें कहीं भी लगता है तो वहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड, तो यहाँ स्टूडेंट इसने ये नहीं बताया या एक उसका इरादा है, मतलब उसने बोला है कि मैं अपने फ्रेंड को देखने जा रहा हूँ, तो यहाँ आई के अकॉर्डिंग हमने एम का वर्ड यूज़ किया है स्टूडेंट यहाँ पर, और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आई एन जी फॉर्म यूज़ किया है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा करके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर, इससे हमें पता चला है स्टूडेंट आपका इंटेंशन की बात कर रहा है, इरादा बता रहा है कि मैं अपने दोस्त को देखने जा रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल में बताया गया स्टूडेंट का ही इज़ गोइंग टू डाई, तो ही आपका आपका सिंगुलर नंबर है और आपका थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ इज वर्ब का यूज़ किया, आई एन जी फॉर्म यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पर पोजिशन यूज़ किया स्टूडेंट। और यहाँ लाइकलीहुड क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ बताया है ही इज़ गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है, यानी कि वह मर सकता है, ये क्या एक संभावना की गई है कि वो मर भी सकता है और तुम कहो तो ना मरे, लेकिन यहाँ एक संभावना हमें यहाँ पता चली। तो स्टूडेंट हम कहीं भी इंटेंशन की बात होती है या बात होती है आपकी लाइकलीहुड की, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल आपका स्टूडेंट रूल नंबर 3, इस टेंस का यूज़ हम स्टूडेंट टेम्परेरी यानी हम बात कर रहे हैं अस्थायी कार्य, यानी कोई भी आपका परमानेंट वर्क नहीं है, यानी कोई भी एक्शन नहीं है परमानेंट और बोलने के वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन समय के आसपास या हम कहें इन दोनों का काम जारी होता है, मतलब ऐसा हमें लगता है कि ये काम चल तो नहीं रहा, मतलब हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये इन दोनों की बात हो रही है। जैसे कि ही इज़ राइटिंग ए नोवल नाउ डेज, तो यहाँ क्या पता चला है स्टूडेंट, ई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ इज वर्ब यूज़ किया, आई एन जी फॉर्म यूज़ किया स्टूडेंट, आर्टिकल लगाया है यहाँ पर हमने इंडेफिनिट का नोवल नाउ डेज, तो यहाँ क्या पता चला है स्टूडेंट कि वह पत्र यही इज राइटिंग, वह इन दिनों क्या है वह एक पत्र लिख रहा है, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये बोलने के समय हो तो नहीं रहा है काम, भाई ये क्या है काम वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है समय की इन दिनों की बात बता रहा है कि भाई ये कार्य जारी है, मतलब ये काम चल रहा है। जैसे कि आई एम डूइंग एम ए इन इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश में एम ए कर रहा हूँ, ये आपकी मास्टर डिग्री है तो मैं एम ए कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट क्या है ये काम आपका चल रहा है, यानी इन दोनों हमें लग रहा है कि काम आपका कंटिन्यू है, आपका काम जारी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्टूडेंट आई के अकॉर्डिंग हमने एम आई एन जी फॉर्म यूज़ किया है और आपका इस तरीके से हमने इसका यूज़ किया है। यू के अकॉर्डिंग यू आर डूइंग जॉब इन आई ए एफ यानी इंडियन एयरफोर्स, कि तुम इन दोनों क्या है इंडियन फोर्स में जॉब कर रहे हो, यानी कि आपका काम क्या है स्टूडेंट जारी है, यानी इन दोनों भी हम काम कर रहे हो, तो यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर और आई एन जी फॉर्म का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एजआरएम का हमें कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ हमको नहीं करना है। अगर आपका फिर भी अगर कोई डाउट है तो स्टूडेंट आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हो। और यहाँ रूल नंबर 4 में यही बात आपकी समझाई गई है, और जनरली जो हम टेंस पढ़ते हैं स्टूडेंट उसमें हम केवल यही रूल पढ़ते हैं, और इसी के से हमारा रूल्स क्या है हमारा टेंस क्लियर हो जाता है। पढ़ाने को तो स्टूडेंट मैं 10 मिनट की आपकी वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपको क्लियर करा दूंगा, केवल आपको वर्ब बताने की ये वर्ब इसको यूज़ करना है, ये स्ट्रक्चर होता है, बस हो जाएगा। लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होगा, जिस अकॉर्डिंग जिस लेवल से आपका पेपर आता है, तो मैं जिस तरह से आपकी लेवल का पेपर आएगा उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। यहाँ स्ट्रक्चर बताएगा स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट है इज आर एम है, उसके अकॉर्डिंग इसने बी में आई एन जी फॉर्म यूज़ किया, और उसके बाद स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट की बात करें या जो कुछ भी आपका बचता है अदर वर्ड्स उनको हम यहाँ पर ले सकते हैं। बात करें स्टूडेंट आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आपका इज आर और एम का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ये जब वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि इज आर एम का यूज़ हम कहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने और आपको क्लियर कर दिया है।
कि इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्टूडेंट हम बात करें या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं या हम इसको बी फोर भी बोल देते हैं जैसे बी वन बी टू और बी थ्री, तो ये आपके सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट, ही सी इट है या हम कहें नाम की पर्सन प्लेस और थिंग जो आपके सिंगुलर नंबर में आते हैं स्टूडेंट, उनके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। जबकि स्टूडेंट हम आई के साथ केवल आपका एम का यूज़ करते हैं। ये कुछ आपके सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट, वी यू दे या हम बात करें आपके प्लूलर सब्जेक्ट की तो उनके साथ स्टूडेंट हम आर का यूज़ करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका स्टूडेंट बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। या एग्जांपल में आपके बताया गया आई एम टीचिंग, तो मैं क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ, सेंस क्या रहा है स्टूडेंट, लास्ट में क्या रहा, कर रहा हूँ रही, तो ये जरूरी नहीं कि आपको हम टेंस करा रहे हैं तो इनकी हिंदी भी कराएं साथ में, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। तो आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ एम का यूज़ किया है, ही या सी रीडिंग यानी कि वो पढ़ रहा है या वो पढ़ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट यहाँ पर इसका यूज़ किया है। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, तो यहाँ स्टूडेंट यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब आपकी आर का यूज़ किया गया है। इट इज़ रेनिंग, यह वर्षा हो रही है, तो स्टूडेंट इट आपका उसमें आपका सिंगुलर नंबर होता है और आपके थर्ड पर्सन में आता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वर्ब आपकी इसका यूज़ किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये तो था स्टूडेंट आपका अफर्मेटिव में, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव में। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट नेगेटिव और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट आपका। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेगेटिव हम कहीं भी बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं कि इसी टेंस के लिए, ये है आपके सभी टेंस में लागू होगा स्टूडेंट, जितने आपके 12 जो टेंस होते हैं कि जहाँ भी आपका सब्जेक्ट है उसके बाद आपकी वर्ब फॉर्म आती है, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज आर एम या वर्ब टू भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद ही हम नॉट का यूज़ करते हैं। एक तो आपका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, उसके बाद हम आई एन जी फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। यह तो होता है स्टूडेंट आपका नेगेटिव, क्या रूल आपके सब जितने भी नेगेटिव आप टेंस बनाते हैं उन सब में होता है, यानी सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपकी वर्ब आती है, यानी यहाँ पर हमने इज आर एम की बात कर रहे हैं, कहीं हम बात करेंगे हैज हैव की, विल हैव की या कहीं भी, तो जैसे आपकी वर्ब फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ नॉट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो जैसा टेंस उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी और वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव के लिए होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव, यानी अगर हम प्रश्न सूचक अगर हम वाक्य बनाते हैं इनके, तो पहले हम स्टूडेंट आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, तो उसको ले आते हैं, जैसे इज आर एम से अगर कोई बनाते हैं तो उनको पहले ले आएंगे, उसके बाद आपका फिर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हम आई एन जी फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक तो तरीका स्टूडेंट आपका यह होता है इंट्रोगेटिव बनाने का, और एक आपका तरीका होता है स्टूडेंट आपका जो हम आपकी डब्ल्यू एच फैमिली की बात कर रहे होते हैं, जैसे क्वेश्चन टैग जो होते हैं आपके व्हाट वेयर विच, तो इस तरीके आप उनसे ही बना सकते हो, तो उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद केवल हम यही सा आपका सेम स्ट्रक्चर रहता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट, यहाँ ई जो यूज़ किया मैंने अफर्मेटिव के लिए, एन नेगेटिव के लिए, और आई आपका इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ किया गया है। तो आई एम रीडिंग, तो ये बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट आपकी, उसके बाद जैसा का तैसा आपका सेंटेंस है उसको हम लिख देते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन टेक की, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है, एम और सब्जेक्ट आपका इधर आ गया, एम और आई रीडिंग, इस तरीके से क्वेश्चन टेक हम जरूर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दे आर प्लेइंग, तो दे के अकॉर्डिंग हमने आवर यूज़ किया है, ऐसे अगर इसका हम बनाएंगे तो पहले आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने नेगेटिव यूज़ किया यानी नॉट का यूज़ किया है। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी और आपका सब्जेक्ट स्टूडेंट उसके बाद में चला जाएगा, जैसे आपका क्वेश्चन है आपका ऐसा ऐसा लिख देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे। सी के अकॉर्डिंग हमने इसका यूज़ किया है, वही आई एन जी फॉर्म में, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया गया स्टूडेंट। नेगेटिव बनाया है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है, और उसका इंट्रोगेटिव बनाया तो स्टूडेंट हमने पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया है, फिर हमने उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट इनका आप प्रेजेंट नेगेटिव उस इंट्रोगेटिव में इसके आप बना सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, अभी हमने किया था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में स्टूडेंट। एक आपका नेगेटिव स्टूडेंट नेवर से भी बनता है, जैसे हम नॉट का यूज़ करते हैं वैसे ही वहाँ पर हम नेवर का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉट मीन्स होता है नेवर नहीं, और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। इंट्रोगेटिव बताया गया है इज आर एम, उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट,
और उसके बाद वी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। तो यह वही सेम वाई स्टूडेंट, केवल हमने नॉट को क्या सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर रहे हैं। देखो वही आप इंट्रोगेटिव यानी आपने पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट, वही सेम स्ट्रक्चर है। देखो जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ केवल आपका नेगेटिव बढ़ गया। तो जो आपका आपका जो हम नॉट यूज़ कर रहे थे स्टूडेंट को सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो उसका आप ये इंट्रोगेटिव और आपका नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ बात की स्टूडेंट इजेंट आरंट, और उसके बाद हम सब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट हम इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं। इज नॉट को हम इजेंट भी बोल सकते हैं, आर नॉट को हम आरंट बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया स्टूडेंट कि एम आई नॉट हम बात करेंगे जब कि भाई जैसे इज नॉट बनाए ऐसे एम नॉट भी बनना चाहिए ना। लेकिन इसकी जो स्टूडेंट हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की जब बात करते हैं तो वहाँ पर आरंट लिखते हैं, इनका यूज करते हैं। स्टूडेंट को हम आरंट की तरह यूज करते हैं, ना कि हम एम आई नॉट का। यहाँ आपके एग्जाम्पल देंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ एम का यूज़ किया गया स्टूडेंट, आई एन जी फॉर्म यूज़ किया गया प्रपोजिशन, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया स्कूल यहाँ पर। अब बात करें हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हम दो तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट। एक तो तरीका होता है स्टूडेंट कि हम पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके बाद हम नॉट का यूज़ करें, और बाकी जैसे आपका आपका जो टेंस दिया गया उसको हम जैसे का तैसे लिख देते हैं, और हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे लास्ट में उसके लिए। और सेकंड तरीका ये होता है स्टूडेंट, इसकी जो सेकंड जो फॉर्म होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जब इसका हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन इसका हम इस तरीके से बनाते हैं आर नॉट एम आई नॉट। एम आई नॉट से तो आप बना सकते हो, लेकिन इसका आप इस तरीके से बना रहे हो सेकंड तरीके से शॉर्ट फॉर्म वाले से, तो स्टूडेंट हम वहाँ पर आर नॉट का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जैसा कहते हैं आपका सेंटेंस और आपका क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इट इज़ रेनिंग, यह हम बोले वर्षा हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इट को पहले यूज़ किया इसका और नॉट का यूज़ कर दिया, तो उसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्वेश्चन टैग का यूज़ किया, यह वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने इजेंट शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया सब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आई एन जी फॉर्म का यूज़ किया, और आपके क्वेश्चन टाइप का स्टूडेंट। और आज की वीडियो का लास्ट रूल है स्टूडेंट आपका रूल नंबर 5, इसमें बताया है कुछ आपके ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज़ हम केवल, यानी ये जो आपके वर्ब फॉर्म दिए गए इनका यूज हम स्टूडेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके वर्ब फॉर्म दिए गए इनका हम यूज़ ING फॉर्म में स्टूडेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कहीं ये वर्ब दिख जाए तो आप इनकी ING फॉर्म नहीं बना सकते स्टूडेंट्स। आपकी वर्ब कौन कौन सी स्टूडेंट, सी मीन्स देखना, हियर मीन्स सुनना, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, रिकॉग्नाइज, अपीयर, सीम, लुक, लव, ऑल, अवॉर्ड, डिस्पाइस, लाइक, डेटेस्ट, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डेनी, प्रफियर, रिग्रेट, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिजायर, इंटेंट, प्लीज, डिसप्लीज, मीन, सपोज, थिंक, इमेजिन, प्रीसपोज, रिकॉल, रिकॉलेक्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, बिलीव, ट्रस्ट, ऑन, पोसेस, हैव, बिलोंग टू, कीव, कंसेंट ऑफ, कंटेन, कंप्रेस, इंक्लूड, इन्वॉल्व, इक्वल, कॉस्ट, डिजर्व, डिपेंड, फिट, ऑफ, लैक, रिवाइव, रिजेंबल, नीड, डेयर, साउंड, एटीसी। तो इनका यूज़ जो स्टूडेंट हम करते हैं, इनका यूज़ करते हैं आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आज की वीडियो थी यहीं पर स्टूडेंट, ये जो आपका रूल नंबर 5 है इसका यूज़ आपको केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप यूज़ कर सकते हो, आपको इनका कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करना होता है। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।